यू ऑल आज हम लोग स्टार्ट करेंगे बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री से बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री में आज हम लोग सबसे बेसिक टॉपिक्स को कवर करेंगे तो आइए स्टार्ट करते हैं केमिस्ट्री स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि यूनिवर्स किन चीज़ों से मिलकर बना है तो जो हमारा यूनिवर्स है वो बेसिकली सिर्फ दो चीज़ों से मिलकर बना है मास और एनर्जी एल्बर्ट एंस्टीन की एक इक्वेशन है उसमें लिखते हैं हम ई इज एनर्जी एंड मास तो यूनिवर्स इज मेडअप ऑफ ओनली टू थिंग्स मैटर एंड एनर्जी ये जो मास है इसे ही हम मैटर बोल रहे हैं ठीक है एनर्जी के बारे में जितनी भी स्टडी है वो बेसिकली हम फिज़िक्स में करते हैं ग्रेविटेशनल एनर्जी मैकेनिकल एनर्जी इलेक्ट्रिक एनर्जी एट्सेट्रा मैटर की स्टडी हम करेंगे केमिस्ट्री में ठीक है ये मैटर है ये एक जो फंडामेंटल क्लासीफिकेशन है इसे हम आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे तो पहले जानते हैं कि मैटर क्या होता है कोई भी ऐसी चीज़ जो स्पेस ऑक्यूपाई करती है एनी थिंग विच ऑक्यूपाइज स्पेस कोई भी ऐसी चीज़ जो स्पेस ऑक्यूपाई करती है आप बर्फ ले लीजिए पानी ले लीजिए गुब्बारे में हम हवा भरते हैं हवा भरा हुआ गुब्बारा और बिना हवा भरे हुए गुब्बारे में डिफरेंस होता है तो हर वो चीज़ जो कुछ स्पेस ऑक्यूपाई करती है और उसका कुछ मास होता है उसे हम मैटर कहते हैं एक एडिशनल पॉइंट कैन बी परसीव्ड बाई अवर सेंसेस हमारे पास कितने सेंसेज होते हैं या तो उसे हम देख सकते हैं या हम सूंग सकते हैं या हम टच कर सकते हैं ऐसी कोई भी चीज़ जो मास और स्पेस ऑक्यूपाई करती है उसे हम मैटर कहते हैं अब क्लासीफिकेशन दो तरह का होता है एक होता है फिजिकल बेसिस ऑफ क्लासीफिकेशन और एक होता है केमिकल बेसिस ऑफ़ क्लासिफिकेशन तो पहले हम फिज़िकल बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन की बात करेंगे फिजिकल बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन में वही क्लासिफिकेशन कवर होगा जो हम आंखों से देख के जज कर सकते हैं जिसके लिए हमें किसी भी केमिकल टेस्ट की ज़रूरत नहीं पड़ती है तो अगर मैं आपके सामने कुछ सामान रख दूँ और मैं आपसे पूछूँ ये क्या है तो आपके पास तीन ही जवाब होंगे या तो वो सॉलिड होगा पत्थर टायर बर्फ कुछ भी या वो लिक्विड होगा ऑयल या वाटर या ऐसा मिल्क कुछ भी और इधर वो क्या होगा गैसेस होगा जिसे हम देख नहीं सकते जैसे हमारे आसपास की एयर तो फिजिकल बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन में अगर हम जाएंगे तो मैटर को हम तीन तरह से क्लासिफाई कर सकते हैं सॉलिड लिक्विड गैस प्रॉपर्टी क्या होती है सॉलिड लिक्विड और गैसेस की सॉलिड्स का शेप फिक्स होता है उनको हम चेंज नहीं कर सकते उसके शेप को हम चेंज नहीं कर सकते उसके वॉल्यूम को हम चेंज नहीं कर सकते हैं आपको मैं सॉलिड में कुछ भी दे दूँ एक बॉल दे दूँ एक पेपर दे दूँ एक पेन दे दूँ आप ना ही उसका शेप चेंज कर सकते हैं ना ही उसका वॉल्यूम चेंज कर सकते हैं ये हैं आपके सॉलिड के एग्जाम्पल्स यहाँ पर हमने आइस क्रिस्टल को कवर किया है कैसे होते हैं रिजिड होते हैं रिजिड का मतलब उनका शेप फिक्स होता है उनके शेप को हम चेंज नहीं कर सकते दूसरा पॉइंट फिक्स वॉल्यूम वॉल्यूम को चेंज नहीं किया जा सकता आप एक ग्लास में तीन क्यूब बर्फ रखिए एक जग में तीन क्यूब बर्फ रखिए उसका वॉल्यूम फिक्स रहेगा चेंज नहीं होगा और कैन नॉट बी स्क्वैश्ड उसे हम स्क्वैश नहीं कर सकते उसे हम दबा नहीं सकते स्क्वैश के लिए जो साइंटिफिक टर्म हम यूज़ करेंगे वो होगा कंप्रेसिबिलिटी उसे हम कंप्रेस नहीं कर सकते हैं ठीक है सेकेंड स्टेट है हमारी लिक्विड स्टेट लिक्विड का क्या होता है वॉल्यूम तो फिक्स होता है पाँच लीटर पानी है आपके पास आप बाल्टी में डालिए तो भी पाँच लीटर जग में डालेंगे तो भी पाँच लीटर टब में डालेंगे तो भी पाँच लीटर ऐसा नहीं है कि बाल्टी दस लीटर की है तो पानी दस लीटर का हो गया वॉल्यूम फिक्स रहेगी लेकिन शेप क्या होगा चेंज हो जाएगा ग्लास में रखा हुआ पानी ग्लास के शेप का होता है वही पानी उठा के आप जग में डाल दीजिए वो जग का शेप ले लेता है ये है हमारा लिक्विड वाटर ये किस में रखा हुआ है बीकर में इसी को उठा के हम किसी भी फ्लैट सरफेस के बर्तन में डाल दें तो ये उसका शेप एक्वायर कर लेगा तो लिक्विड की प्रॉपर्टीज़ क्या क्या हो गई कि वो रिजिड नहीं होता है सॉलिड रिजिड होता है लेकिन लिक्विड रिजिड नहीं होता है इसका मतलब कि लिक्विड का जो शेप होता है वो कंटेनर के अकॉर्डिंग चेंज होता रहता है ठीक है नॉट रिजिड यानी कि नो फिक्स्ड शेप दैट मीन्स शेप कैन बी चेंज उसका शेप चेंज होता रहेगा डिपेंडिंग ऑन वो किस कंटेनर में रखा हुआ है नेक्स्ट पॉइंट वॉल्यूम क्या होता है वो फिक्स्ड होता है लिक्विड का भी रिमेंबर सॉलिड का भी वॉल्यूम फिक्स्ड होता है और लिक्विड का भी वॉल्यूम फिक्स होता है जितना वॉल्यूम लेके हमने शुरू किया है उतना ही वॉल्यूम एंड तक रहेगा हम उसे किसी भी कंटेनर में ट्रांसफ़र कर दें लिक्विड को भी स्क्वैश नहीं किया जा सकता लिक्विड को आप कंप्रेस नहीं कर सकते हो ठीक है अब आती है थर्ड स्टेट स्टेट गैसीट स्टेट ना कोई शेप होता है ना कोई वॉल्यूम होता है ऑक्सीजन सिलेंडर में भरा हुआ जितना बड़ा सिलेंडर है उतनी गैस है गुब्बारे में जितनी हवा भर दोगे जितना फुलाते चले जाओगे उतना स्पेस ऑक्यूपाई कर लेगा उतनी ज़्यादा उसकी गैसेस कैपेसिटी हो जाएगी तो शेप भी फिक्स नहीं है और वॉल्यूम भी फिक्स नहीं है ये रहा गैस हमारे आसपास क्या है सारी गैस है इसी को हम कलेक्ट करके एक बलून में फिल कर दें उसमें भी क्या है गैस है तो गैस रिजिट तो होती ही नहीं है क्योंकि इसका कोई शेप नहीं होता आप जिस कंटेनर में रखोगे उस कंटेनर में मोस्ट इंपॉर्टेंटली जिस कंटेनर में कुछ नहीं है उसमें भी क्या है गैस है अगर उसमें वैक्यूम वाक, नहीं है तो और उसका वॉल्यूम भी फिक्स नहीं होता है बलून जितनी बलून की कैपेसिटी है उतना है थोड़ा सा आप निकाल दीजिए कम हो गया तो गैस का ना ही शेप फिक्स होता है ना ही वॉल्यूम फिक्स होता है और गैस को हम क्या कर सकते हैं स्क्वैश कर सकते हैं गैस के मॉलिक्यूल्स इतने दूर होते हैं कि इसमें कंप्रेसिबिलिटी की पॉसिबिलिटी होती है इसके मॉलिक्यूल्स को हम कंप्रेस करके पास ला सकते हैं तो फिजिकल स्टेट के बेसिस पे अगर हम देखें तो मैटर का क्या क्लासिफिकेशन होगा सॉलिड लिक्विड गैस और बेसिक प्रॉपर्टीज़ क्या होंगी सॉलिड में शेप वॉल्यूम दोनों फिक्स होंगे जब हम लिक्विड में जाएंगे तो वॉल्यूम तो फिक्स होगा लेकिन शेप फिक्स नहीं होगा और जब उसके बाद हम गैसेस में जाएंगे तो ना ही शेप फिक्स होगा ना ही वॉल्यूम फिक्स होगा तो ये जो फ़िज़िकल बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन था ये हमने कवर कर लिया है अब हम चलते हैं केमिकल बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन जो हमारा थोड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है केमिकल बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन में प्योर सब्सटेंसेस और मिक्सचर केमिकल बेसिस आँखों से देख के आप नहीं बता सकते कि मैटर क्या है मिक्सचर है या प्योर सब्सटेंस है उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा कुछ टेस्ट परफॉर्म करने पड़ेंगे यही होता है फिजिकल और केमिकल में बेसिक डिफरेंस तो हम शुरू करेंगे पहले मिक्सचर से मिक्सचर क्या होता है मिक्सचर पता ही है पानी में नमक मिला दिया मिक्सचर पानी में चीनी मिला दिया मिक्सचर पानी में सोडियम मिला दिया मिक्सचर सोडियम से तो आग लग जाएगी कोई भी सॉल्वेंट जब सोल्यूट से मिक्स होता है सोल्यूशन बनाता है कोई भी दो कंपोनेंट्स अगर मिक्स हों ए एंड बी तो हमेशा क्या बनाते हैं मिक्सचर ठीक है अब मिक्सचर के केस में स्पेशलिटी क्या होती है अ मिक्सचर कंटेन्स पार्टिकल्स ऑफ टू और मोर प्योर सब्सटेंसेस विच मे बी प्रेजेंट इन इट इन एनी रेशियो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है मिक्सचर में जो कंपोजिशन होता है वो एनी रेशियो में प्रेजेंट होता है रेशियो फिक्स नहीं होता मैं अगर आपसे बोलूं कि आप लिखिए वाटर एंड सॉल्ट का मिक्सचर अगर मैं बोलूँ दस लीटर पानी है और दो किलो नमक है तो भी मिक्सचर है पांच लीटर पानी है एक किलो नमक है तो भी मिक्सचर है दस ग्लास पानी है एक ढक्कन नमक है तो भी वो मिक्सचर है तो so, मिक्सचर में जो रेशियो होता है वो कभी भी फिक्स नहीं होता है इट मे बी प्रेजेंट इन एनी रेशियो उसे ही हम बोलेंगे मिक्सचर अब मिक्सचर कितने तरह के होते हैं एक होता है होमोजीनस एक होता है हाइड्रोजीनस होमोजीनस में होमो एक जैसा कंपोनेंट्स जो है वो मिक्स हो जाएंगे एक दूसरे में पूरी तरह से सॉल्युबल हो जाएंगे और एक यूनिफॉर्म कम्पोजिशन देंगे जैसे पानी में चीनी मिला दी पानी में चीनी मिला के अगर आपके सामने कोई ले आए तो जब तक आप उसे पिएंगे नहीं तब तक आपको नहीं पता चलेगा कि इसका कंपोजिशन क्या है इसमें क्या क्या पड़ा हुआ है अगर मैं आपके सामने चाय बना के ले आऊँ बनी हुई चाय को देख के आप नहीं बता सकते कि उसमें कंपोनेंट्स क्या क्या पड़े हुए हैं अनलेस एंड अनटिल आप उसे टेस्ट करें तो होमोजीनस मिक्सचर क्या होता है जहाँ पे आप कंपोनेंट्स को देख कर सेपरेट नहीं कर सकते उसे हम बोलते हैं होमोजीनस मिक्सचर वहीं दूसरी तरफ हेटरो हेटरो मतलब ऑड हेटरोजीनस मिक्सचर क्या होते हैं वहाँ पे जो कंपोनेंट्स हैं वो अलग अलग आपको पता चलेंगे आप देख के बता दोगे कि इसमें क्या क्या पड़ा हुआ है आपस में वो पूरी तरह से यूनिफॉर्म नहीं होंगे जैसे पानी में मिट्टी बालू डाल के मैं कितनी भी देर शेक कर दूँ थोड़ी देर बाद वो बालू क्या होगी नीचे सेटल डाउन हो जाएगी तो आपको दिख जाएगा कि इस पानी में मिट्टी पड़ी हुई है या बालू पड़ी हुई है इसका एक एग्ज़ाम्पल ये है ये आपको होमोजीनियस मिक्सचर है कंसीडर करिए चाय या कॉफ़ी कुछ भी इसे देख के आप नहीं बता सकते कि इसमें क्या क्या कंपोनेंट्स पड़े हुए हैं तो ये क्या होगा आपका होमोजीनियस मिक्सचर जिसमें देख के पता ना चले कि क्या क्या कंपोनेंट्स हैं वहीं हम लोग अक्सर ब्रेकफास्ट में खाते हैं कॉर्नफ्लेक्स तो कॉर्नफ्लेक्स हमारा क्या हुआ हैड्रोजीनियस मिक्सचर जिसमें हमें सब पता चल जाता है कॉर्नफ्लेक्स पड़े हुए हैं स्ट्रॉबेरी पड़ी हुई है मिल्क पड़ी हुई है अपार्ट फ्रॉम शुगर वी कैन डिटेक्ट मल्टीपल थिंग्स तो अगर आप एक भी कंपोनेंट्स को आँखों से आइडेंटिफाई कर लेते हैं तो दैट बिकम्स योर हैड्रोजीनियस मिक्सचर और अगर आप फिजिकली देख नहीं बता सकते कि क्या क्या कॉम्पोनेंट्स हैं देन इट विल बी योर होमोजीनियस मिक्सचर अब उसके बाद आता है प्योर सब्सटेंस केमिकल क्लासिफिकेशन में दो चीज़ें थी एक मिक्सचर जो हमने कवर कर लिया और सेकेंड है हमारा प्योर सब्सटेंस प्योर सब्सटेंस की खासियत क्या है इसमें फिक्स्ड कॉम्पोजिशन होता है अभी हमने कवर किया मिक्सचर में कॉम्पोजिशन फिक्स नहीं होता है कुछ भी रेशियो हो सकता है लेकिन प्योर सब्सटेंसेस का कॉम्पोजिशन क्या होता है फ़िक्स होता है इतना है तो इतना ही रहेगा ऐसा नहीं है कि 10 किलो चीनी और 2 किलो पानी मिला दिया और कुछ भी बना दिया और उसे हमने प्योर सब्सटेंस बोल दिया ऐसा नहीं है फिक्स्ड कम्पोजिशन होगा अब प्योर सब्सटेंस भी दो तरह के होते हैं एक होते हैं एलिमेंट्स और एक होते हैं कंपाउंड्स। पहले एलिमेंट्स की बात करते हैं एलिमेंट्स मतलब स्मॉलर पार्टिकल्स सिंपलेस्ट फॉर्म होती है जैसे अगर मैं आपसे बोलूं कि हाइड्रोजन तो आर्बिटरी आप क्या लिखेंगे H2। अगर मैं आपसे बोलूं क्लोरीन तो आप आर्बिटरी उसे लिखेंगे सी एल टू ऑक्सीजन ओ टू हीम एच ई अगर मैं बोलूँगी सल्फर तो एस एट कभी भी ऐसा नहीं होगा कि अकेला सी है और उसे हमने बोल दिया कि ये क्लोरिन है नहीं होता क्योंकि हमें पता है तो वो है एलिमेंट जिसका कंपोजिशन क्या है फिक्स है ओनली वन काइंड ऑफ पार्टिकल्स इस Cl2 में दोनों क्या हैं Cl और Cl, S8, सारे एट एटम्स किसके हैं सल्फर के ही हैं ऑक्सीजन दोनों O16 ही हैं सेम एटम्स हैं उन्हें ही हम बोलते हैं एलिमेंट एक खासियत अगर आप देखोगे एलिमेंट की आइसोटोप्स तो आइसोटोप्स एग्जिस्ट करना किसकी प्रॉपर्टी होती है एलिमेंट्स की आइसोटोप्स में नेक्स्ट स्लाइड में कवर करती हूं अभी मैं आपको बताती हूं पहले कि एलिमेंट्स की जो खासियत होती है उनका एक नाम होता है हर एलिमेंट का क्लोरीन सोडियम हीलियम नियॉन ऑक्सीजन कुछ भी अपना एक सिंबल होता है और कुछ एक एटॉमिक नंबर होता है जो फिक्स होता है अगर मैं बोलूँ क्लोरीन एलिमेंट तो जितने भी क्लोरीन हैं सबका एटॉमिक नंबर कितना होगा 17 वो फिक्स होगा और सबका सिंबल भी क्या होगा सी वो भी फिक्स होगा एलिमेंट्स क्या हो सकते हैं मेटल्स हो सकते हैं नॉन मेटल्स हो सकते हैं रेडियो एक्टिव हो सकते हैं नॉन रेडियो एक्टिव हो सकते हैं मेटलॉइड्स हो सकते हैं पीरियोडिक टेबल में हमारे जितने भी जो क्लासिफिकेशन है वो किसका है एलिमेंट्स का है तो जितने भी सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ अ प्योर सब्सटेंसेस हैं वो क्या हैं हमारे एलिमेंट्स हैं अब यहाँ पर बात आ गई है आइसोटोप की तो छोटा सा डिस्कशन एक कर ही लेते हैं आइसोटोप का एलिमेंट्स क्या बताएं? उनका एक पर्टिकुलर नाम होता है कुछ सिंबल होता है और फिक्स एटॉमिक नंबर होता है ठीक है ये बात हो गई इतनी बात हो गई एलिमेंट्स की अब आइसोटोप क्या होते हैं आइसोटोप वो होते हैं जहां पर एटोमिक नंबर सेम होता है लेकिन एटॉमिक मास क्या होता है डिफरेंट सबसे अच्छा एग्जाम्पल अगर इसका कुछ है तो हाइड्रोजन क्या क्या होते हैं हाइड्रोजन के आइसोटोप्स हाइड्रोजन ड्यूटीरियम म सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक मास हाइड्रोजन ड्यूटीरियम ट्रीटियम ठीक है इन्हें ही हम बोलते हैं ये आपस में क्या है आइसोटोप्स हैं तो आइसोटोप होना किसकी प्रॉपर्टी है एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी है एलिमेंट्स क्या शो करते हैं एग्जिस्टेंस ऑफ आइसोटोप्स ये बात हो गई एलिमेंट्स की अब बात करते हैं कंपाउंड्स की कंपाउंड मतलब दो चीज़ें मिलके कुछ बना है उसे हमने कंपाउंड बोल दिया जैसे कि हम बोल दें वाटर एक कंपाउंड है अमोनिया एक कंपाउंड है कार्बन डाइऑक्साइड एक कंपाउंड है मिक्सचर में भी तो यही बात हुई थी दो चीज़ें मिलके कुछ तीसरी चीज़ बनाती हैं और कंपाउंड में भी यही बात हुई थी कि दो चीज़ें मिलकर कोई तीसरी चीज़ बनाती हैं तो म्यूचुअली इनमें क्या डिफरेंस है म्यूचुअली इनमें कंपोजिशन का डिफरेंस है अगर मैं आपसे बोलूं कार्बन डाइऑक्साइड आपके दिमाग में तुरंत आएगा कि एक कार्बन है और दो ऑक्सीजन है कभी भी आप नहीं सोचोगे कि अच्छा 100 ग्राम कार्बन होगी डेढ़ सौ ग्राम ऑक्सीजन होगी ऐसा कभी नहीं होता अमोनिया अगर मैंने आपसे बोला तो आपको पता है कि एक नाइट्रोजन है तीन हाइड्रोजन है वाटर अगर आपसे कोई बोलेगा तो आपको पता होगा कि टू हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन तो कंपाउंड्स और मिक्सचर्स में जो बेसिक डिफरेंस है जो याद रखने वाला है वो यही है कि मिक्सचर में रेशियो फिक्स नहीं होता है आप कितना भी ए मिला दो कितना भी बी मिला दो और जो बन के तैयार होगा वो आपका मिक्सचर होगा वो होमोजीनस हो सकता है हाइड्रोजीनस हो सकता है लेकिन कंपाउंड्स दे फॉलो रूल क्योंकि क्या है प्योर सब्सटेंसेज यानी कि फिक्स्ड कंपोजिशन फिक्स्ड कंपोजिशन ही क्या बना रहे हैं कंपाउंड्स तो यहाँ भी जो बन के तैयार होगा उसका कंपोजिशन क्या होगा हमेशा फिक्स्ड होगा और क्योंकि यहाँ पर फिक्स्ड कंपोजिशन है तो इनका सेपरेशन कैसे होगा सिर्फ केमिकल मेथड से आपके सामने पानी रख दें और बोले चलो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अलग करो तो क्या कि आप किसी फिजिकल मेथड से उसे अलग कर सकते हैं कि हाँ भाई ये हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स निकाल के रख दिए ये ऑक्सीजन के निकाल के रख दिए हो गया सेपरेशन ऐसा नहीं होता आपको क्या अप्लाई करना पड़ेगा हमेशा केमिकल मेथड तो हमेशा याद रखिएगा कि प्योर सब्सटेंस के सेपरेशन के लिए यू ऑलवेज नीड अ केमिकल मेथड ठीक है एग्जाम्पल में वही वाटर अमोनिया कार्बन डाइऑक्साइड और एलिमेंट्स के एग्जाम्पल में सल्फर सोडियम ऑक्सीजन हाइड्रोजन हीलियम कुछ भी तो ये हो गए क्लासिफिकेशन मैटर का फिजिकल बेसिस पे सॉलिड लिक्विड गैस केमिकल बेसिस पे प्योर सब्सटेंसेस और मिक्सचर मिक्सचर वापस होमोजीनस हाइड्रोजीनस और प्योर सब्सटेंसेस एलिमेंट्स और कंपाउंड्स अब हम देखेंगे मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स गैस मॉलिक्यूल्स क्लोरीन मॉलिक्यूल्स बहुत सुने हैं तो मॉलिक्यूल्स होते क्या हैं मॉलिक्यूल्स फ्री स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं अगर मैं आपसे बोलूं कि वाटर का एक मॉलिक्यूल है तो इसका मतलब ये फ्रीली एग्जिस्ट कर रहा है ठीक है और जितनी भी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ वाटर की हम पढ़ते हैं वो अकेले उन सबको रिप्रेजेंट करता है मतलब इसका बॉइलिंग पॉइंट कितना होगा हंड्रेड डिग्री सेंटीग्रेड वाटर मॉलिक्यूल अकेला ही होगा लेकिन वो सारी प्रॉपर्टीज़ को रिप्रेजेंट करेगा जो वाटर की हैं जैसे फ्रीजिंग पॉइंट जीरो डिग्री बॉइलिंग पॉइंट हंड्रेड डिग्री क्यों क्योंकि ये क्या है इट एग्जिस्ट इन फ्री स्टेट एंड इट इज़ अ स्मॉल पार्ट ऑफ एन एलिमेंट और कंपाउंड एलिमेंट या कंपाउंड का जो स्मॉल पार्ट है वो है आपका मॉलिक्यूल और जितनी भी प्रॉपर्टीज़ उस कंपाउंड की हैं या उस एलिमेंट की हैं वो सारी वो अकेला मॉलिक्यूल शो करेगा एलिमेंट की प्रॉपर्टीज या कंपाउंड की प्रॉपर्टीज ही मॉलिक्यूल की प्रॉपर्टीज़ होती हैं एट स्मॉलर लेवल पानी का एक जगह रखा है उसमें से एक मॉलिक्यूल अगर निकाल लेंगे तो वो पानी अगर 100 डिग्री पे बॉयल हो रहा है तो ये मॉलिक्यूल भी कितने पे बॉयल होगा 100 डिग्री पे ही बॉयल होगा अब मॉलिक्यूल्स कितने तरह के होते हैं दो तरह के होमो और हेट्रो एटोमिक एटोमिक पता है नंबर ऑफ एटम्स फिर से वही बात होमो मतलब एक जैसे और हेट्रो मतलब अलग अलग होमो में सारे एटम्स एक जैसे होंगे जैसे ऑक्सीजन मॉलिक्यूल ओ टू यानी ओ और ओ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल एच और एच क्लोरीन मॉलिक्यूल सी एन और सी एन तो एक जैसे मॉलिक्यूल्स हैं तो उसे क्या बोलेंगे हम होमो -टॉमिक. अब कितने हैं मोनोएटॉमिक है, है यानी एक ही एटम है डाईटोमिक है यानी दो एटम है पॉलीएटॉमिक है यानी दो से भी ज़्यादा एटम्स हैं उसके अलग अलग एग्जाम्पल हैं मोनोएटॉमिक मतलब जो हमारी नोबल गैसेस होती हैं हीलियम नियॉन आर्गन क्रिप्टॉन ये सारी क्या होती हैं मोनोअटामिक होती हैं रीज़न आपको पता है ऑक्टेट रूल इसीलिए किसी से जल्दी कंबाइन नहीं करती डाइएटॉमिक मतलब जहाँ पे दो एटम्स एक जैसे कंबाइन कर गए हाइड्रोजन ऑक्सीजन नाइट्रोजन क्लोरीन ब्रोमीन एट्सेट्रा ट्राईटोमिक जहाँ पे तीन एटम्स कंबाइन करेंगे लेकिन तीनों ही क्या होंगे सेम एटम्स होंगे जैसे कि ओजोन और पॉलीअटोमिक मतलब मोर देन थ्री एटम्स तीन से भी ज़्यादा एटम्स कंबाइन कर रहे हैं लेकिन सारे क्या हैं सेम एटम्स हैं जैसे कि P4 फोर फॉस्फोरस एस एट सल्फर आठ मोलिक्यूल्स हैं लेकिन आठ एटम्स हैं लेकिन क्या हैं सारे के सारे सल्फर हैं ठीक है तो ये हो गया होमो ऐटोमिक अब इसका कॉन्ट्रारी हैट्रो मतलब एक दो तीन जितने भी एटम्स हैं सारे क्या हैं अलग अलग हैं अलग अलग, अलग एटम्स ने मिलकर के एक मॉलिक्यूल बना दिया जैसे कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन है और दो ऑक्सीजन है वाटर दो हाइड्रोजन है और एक ऑक्सीजन है अमोनिया एक नाइट्रोजन है और तीन हाइड्रोजन है तो जहां पे एक जैसे मॉलिक्यूल्स होंगे वो हुआ होमो एटोमिक जहां पर अलग अलग एटम्स होंगे वो हो गया हेट्रोएटॉमिक। एटोमिक अब मैटर की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं हम पहले ही पढ़ चुके हैं क्लासिफिकेशन दो बेसिस पे था फ़िज़िकल और केमिकल बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन तो प्रॉपर्टीज़ भी दो ही होंगी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ और केमिकल प्रॉपर्टीज़ ठीक है फिजिकल प्रॉपर्टीज़ मतलब जिन्हें जज करने के लिए हमें कंपाउंड में किसी चेंज की ज़रूरत नहीं है कंपाउंड का मास कितना है ये हम उसे सिंपली वे करेंगे और बता देंगे कि ये इसका मास है उसकी डेंसिटी हम कैलकुलेट करके निकाल सकते हैं उसका वॉल्यूम हम मेज़र करके निकाल सकते हैं उसका बॉइलिंग पॉइंट निकालना है आप क्या करेंगे सिंपली एक थर्मामीटर लाएंगे डिप करेंगे बता देंगे कितने पे ये बॉयल हुआ उसमें किसी केमिकल चेंज की आपको ज़रूरत नहीं है ऐसी प्रॉपर्टीज़ को क्या बोलते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज़ याद रखने वाली बात क्या है विदाउट चेंजिंग द आइडेंटिटी और कॉम्पोजिशन फिज़िकल प्रॉपर्टी मेज़र करने के लिए हमें आइडेंटिटी या कॉम्पोजिशन चेंज करने की ज़रूरत नहीं है एज़ इट इज़ है हमने पैरामीटर्स यूज़ किए स्केल्स यूज़ किए कैलकुलेट कर लिया और भैया बता दिया कि ये इसका बॉइलिंग पॉइंट है ये इसका मास है ये इसका वॉल्यूम है वही सारी क्या हो गई उसकी फ़िजिकल प्रॉपर्टीज़ लेकिन केमिकल प्रॉपर्टीज़ के केस में ऐसा नहीं है केमिकल चेंजेस या केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं जैसे ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी किसी को दूसरे को ऑक्सीडाइज़ अगर मैं आपके हाथ में एक सैम्पल दे दूँ और बोलूँ बताओ भैया ये ऑक्सीडाइजिंग है कि रिड्यूसिंग है तो क्या आप देख के बता सकते हैं क्या आप कोई स्केल है आपके पास जिससे मेज़र करके बता सकते हैं तो आप क्या करेंगे उसके लिए आप बोलेंगे हमें दूसरा कुछ एलिमेंट दो हम रिएक्शन कराएं उसके बाद ही हम बताएंगे कि जो तुमने हमें दिया था वो ऑक्सीडाइज़ करता है कि रिड्यूस करता है मैंने आपके हाथ में अगर एच टू एस ओ फोर दे दिया और बोला भैया देख के बता दो ऑक्सीडाइज उक्षिडाईस, ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी है कि रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी है हमें लैब ले जाना है या मैंने आपके हाथ में एच टू ओ टू दे दिया बोला लो इसको भी देख के बता दो ऑक्सीडाइज़ करेगा कि रिड्यूस करेगा क्या आप इसे देख के बता देंगे कि ये ऑक्सीडाइजिंग है कि रिड्यूसिंग नहीं आपको क्या करना पड़ेगा इसके लिए केमिकल चेंजेस करने पड़ेंगे कैसे करेंगे आप केमिकल चेंजेस रिएक्शन करा देंगे किसी के भी साथ करा देंगे के आई स्पेसिफिक हो गया आप ए बी कुछ भी ले लीजिए आप एक बेसिक सी रिएक्शन कंडक्ट कराएंगे रिएक्शन के बाद आप डिसाइड करेंगे कि हाँ भैया इसने इसको ऑक्सीडाइज अगर कर दिया तो इसका ऑक्सीडाइजिंग बिहेवियर है और अगर इसने इसको रिड्यूस कर दिया तो इसका रिड्यूसिंग बिहेवियर है यही ना तो क्या देखा हमने फिजिकल प्रॉपर्टी के लिए हमें कंपोजिशन चेंज करने की ज़रूरत नहीं है लेकिन जब बात केमिकल प्रॉपर्टीज़ की आएगी तो वहाँ पे हमें केमिकल रिएक्शन करानी पड़ेगी और एक कम्पोजिशन को क्या करना पड़ेगा चेंज करना पड़ेगा तो ये है मैटर की प्रॉपर्टीज़ हम कैसे मेज़र करते हैं उसके बाद ये है कुछ बेसिक फिजिकल क्वान्टिटीज़ जिसमें काम की चीज़ क्या है लेंथ का स्टैंडर्ड मीटर होता है मास का किलोग्राम टाइम सेकेंड टेम्परेचर का केल्विन मैक्सिमम क्वेश्चंस में टेम्परेचर विल बी गिवन यू इन डिग्री सेल्सियस तो आपको क्या करना है याद रखना है कि स्टैंडर्ड यूनिट क्या होती है केल्विन और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस होता है मोल इसे स्टार मार्क कर लीजिए ये हमारा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कमिंग लेक्चर्स में हम कवर करेंगे तो बेसिक फिजिकल क्वान्टिटीज़ क्या क्या हुई लेंथ के लिए मीटर मास के लिए किलोग्राम टाइम के लिए सेकेंड टेम्परेचर के लिए केल्विन और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के लिए मोल ये एम के एस इसी को हम बोलते हैं एम के एस सिस्टम ऑफ कैलकुलेशन मैक्सिमम कैलकुलेशन हम इसी सिस्टम में करते हैं ये एक टेबल और मैंने कवर की है ये आपका कन्वर्जन है ये यूज़फुल इसलिए है कि कई बार आपको क्या होता है वैल्यूज़ माइक्रोमीटर में दी हुई हैं कैलकुलेट करनी है मीटर में तो आपको आना चाहिए कि वन मीटर इज इक्वल्स टू टेन टू पावर माइनस सिक्स माइक्रोमीटर नैनो कितना होता है टेन टू पावर माइनस नाइन पीको कितना होता है एंगस्ट्रॉम कितना होता है टेन टू पावर माइनस टेन कुछ कन्वर्जन्स जो है वो आपको बिल्कुल फिंगर टिप्स पर याद होना चाहिए जिसमें से एंगस्ट्रॉम पीको नैनो माइक्रो मिली सेंटी ये काफी इंपॉर्टेंट होते हैं तो इसके लिए ये टेबल मैंने कवर की हुई है इसे आप याद कर लीजिए ये इंपॉर्टेंट है हमारे कैलकुलेशंस में काम आएगी हाँ ये यूनिट ऑफ मेजरमेंट जो पीछे मैंने भी डिस्कस किया था एम के एस सिस्टम ये रहा वो एम के एस सिस्टम लेंथ इन मीटर्स मास इन किलोग्राम एंड टाइम इन सेकेंड यही हमारा स्टैंडर्ड मेथड होगा कैलकुलेशन का मोस्ट ऑफ द टाइम हम कन्वर्ट करके और इसी वे में कैलकुलेट करते हैं क्वेश्चन को सी जी एस सिस्टम सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड एफ पी एस सिस्टम फिट पाउंड सेकेंड ठीक है लेकिन स्टैंडर्ड हमारा यूज़ कौन सा होगा एम के एस सिस्टम ये मैंने केवल एक अंडरस्टैंडिंग के लिए बता दिया कि कैलकुलेशन के लिए हमारे पास तीन सिस्टम्स होते हैं सी जी एस एफ पी एस एम के एस यूज हम हमेशा एम के एस करेंगे और याद रखने का आपके लिए ये सबसे इंपॉर्टेंट है लेंथ मीटर में मास किलोग्राम में टाइम सेकेंड में और कन्वर्जेंस आपको आने चाहिए फिंगर टिप्स पे चार से पाँच केमिस्ट्री में बेसिक जो प्रॉपर्टीज होती हैं वो तीन होती हैं प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर यही तीन मेन हैं ठीक है थीके? प्रेशर क्या होता है किसी सरफेस एरिया पर कितना फोर्स लगाया उसे ही बोलेंगे प्रेशर प्रेशर का मतलब क्या हुआ दाब हिंदी में बोलते हैं प्रेशर को दाब कितना दबा दिया तो जितने कम एरिया पे जितना ज़्यादा फोर्स लगाओगे उतना ज़्यादा प्रेशर फील होगा तो प्रेशर इज इक्वल्स टू फोर्स अपॉन एरिया इंपॉर्टेंट क्या है इसकी ऐसा SI यूनिट क्या होती है पास्कल कन्वर्जन के लिए वन पास्कल इज इक्वल्स टू वन न्यूटन पर मीटर स्क्वायर फोर्स की यूनिट न्यूटन और एरिया की यूनिट मीटर स्क्वायर यहाँ से निकाल लेंगे डायमेंशनल एनालिसिस हम सब ने पढ़ी है तो प्रेशर की यूनिट क्या निकल आएगी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर ठीक है कन्वर्जन क्या इंपॉर्टेंट है कि वन ए टी पी वन एटमोसफेरिक प्रेशर इज इक्वल्स टू सेवन सिक्सटी मिलीमीटर ऑफ मरकरी और टेन टू पावर फाइव पासकल इज इक्वल टू वन बार वन बार इज इक्वल्स टू टेन टू पावर फाइव पासकल टेन टू पावर फाइव पासकल जब होंगे तब किसके बराबर होंगे एक बार के बराबर होंगे उसके बाद वॉल्यूम वॉल्यूम क्या होता है किसी ऑब्जेक्ट ने कितनी जगह ऑक्यूपाई करी वो उसका वॉल्यूम है जितनी ज़्यादा जगह ऑक्यूपाई करेगा उतना ज़्यादा उसका वॉल्यूम होगा वॉल्यूम के लिए एस आई यूनिट क्या होती है मीटर क्यूब मीटर क्यूब ये होती है इसकी एस आई यूनिट कन्वर्जन के लिए इंपॉर्टेंट क्या है वन लीटर इज इक्वल टू टेन टू पावर माइनस थ्री मीटर क्यूब वन लीटर इज इक्वल टू टेन टू पावर माइनस थ्री मीटर क्यूब लास्ट है टेम्परेचर टेम्परेचर होता क्या है कोई चीज़ कितनी गर्म है या कितनी ठंडी है यही बताता है टेम्परेचर टेम्परेचर से हम क्या पता करते हैं कि हाँ ये गर्म है या ये ठंडी है तो डिग्री ऑफ हॉटनेस या कोल्डनेस यही बताता है आपका टेम्परेचर स्टैंडर्ड केल्विन पीछे बताया था मैंने टेम्परेचर का स्टैंडर्ड यूनिट डिग्री सेंटीग्रेड ना होकर के क्या है केल्विन है कन्वर्जन के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है सेंटीग्रेड में दिया हो तो फॉरन में कैसे कन्वर्ट करेंगे और केल्विन में दिया हो तो सेंटीग्रेड में कैसे कन्वर्ट करेंगे ठीक है c by 5 is equals to f minus 32 by 9 fahrenheit mein aapko temperature diya hua hai aapne usko celsius mein convert kar liya aur celsius mein aapne 273.15 add kar diya to aapko kya mil gaya kelvin mein temperature SI unit हमारी Kelvin है ज़्यादातर questions जब हम solve करेंगे तो temperature को किस में पुट करेंगे हम Kelvin में put करेंगे ये हो गया आपका pressure, volume और temperature. मेज़रमेंट कर लिया कैलकुलेशन कर लिया कैलकुलेशन कितनी सही है कितनी नहीं सही है हम कभी कभी लाइन खींचते हैं या कुछ मेज़र करना होता है तो हम क्या बोलते हैं कोई बोला जाओ नाप के आ जाओ तो हम बोलते हैं कि लगभग डेढ़ मीटर होगा लगभग लगभग क्या अबाउट हम एक्यूरेट नहीं बोल रहे हैं कि वो 1.5 मीटर है लगभग की बात कर रहे हैं यानी कि प्रिसीज़न करीब करीब मैंने कुछ कैलकुलेशन की उसका आंसर आया वन दूसरे बच्चे ने कैलकुलेशन की उसका आंसर आया 1.54, किसी तीसरे बच्चे ने कैलकुलेशन की उसका आंसर आया 1.57, 1.52, तो हम सब ने क्या सोचा कि इस आंसर को एक काम करते हैं 1.5 रिपोर्ट कर देते हैं क्या ये एक्यूरेट है नहीं ये एक्यूरेट नहीं है ये क्या है प्रिसाइज है क्लोज़ टू करेक्ट हो सकता है वन आंसर हो हम सारे के सारे ही गलत हो तो ये जो आंसर है ये प्रिसाइज आंसर है करीब करीब का तो प्रसिजन क्या होता है क्लोजनेस ऑफ वेरियस मेजरमेंट फॉर द सेम क्वान्टिटी सेम लाइन को हम सब ने नापा था अलग अलग आंसर आया सबसे क्लोजेस्ट आंसर हमें क्या लगा कि 1.5 है वही रिपोर्ट कर देते हैं तो ये एक्यूरेट आंसर नहीं है ये प्रोसाइज़ आंसर है एक्यूरेट आंसर क्या होता है एक्यूरेट मतलब जो रिज़ल्ट एक आया है सबका वही रिजल्ट आएगा अगर एक लाइन मेज़र की गई 2.02 किसी दूसरे ने जा कर के मेज़र की वो भी 2.02 अब कितने भी लोग जा कर मेज़र कर लें उसका आंसर अगर सेम आ रहा है तो रिपोर्ट हम सब क्या करेंगे 2.02 तो इस आंसर को हम बोलेंगे एक्यूरेट कितनी बार भी मेज़र करो कितने लोग मेज़र करो सेम आंसर अगर आया तो वो आंसर एक्यूरेट है और अगर लगभग वाली बात आ गई कि उसका 1.53 आया था मेरा 1.57 आया एक काम करते हैं 1.5 रख देते ना मेरा ना तुम्हारा तो वो क्या हो जाएगी प्रसाइज वैल्यू ये डिफरेंस होता है प्रसाइज और एक्यूरेसी में जो डिफरेंस होता है लगभग और बिल्कुल में लास्ट टॉपिक हमारा आज का है सिग्निफिकेंट फिगर्स तो सिग्निफिकेंट फिगर्स होते क्या है मीनिंगफुल डिजिट्स ऑफ मेजरमेंट नोन विथ सर्टेनिटी कोई नंबर आपके पास लिखा है उसमें मीनिंगफुल डिजिट्स कितने हैं उसे ही हम बोलते हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स सिग्निफिकेंट फिगर्स कैलकुलेट करने को या काउंट करने को अक्सर क्वेश्चन में आ जाता है उसके कुछ रूल्स हैं फाइव रूल्स हैं एक एक रूल देखेंगे और साथ में एग्जाम्पल्स के साथ समझते चलेंगे तो पहला रूल है ऑल नॉन ज़ीरो डिजिट्स एज वेल एज ज़ीरो बिटवीन द नॉन ज़ीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट यानी सारी नॉन ज़ीरो डिजिट्स थ्री फोर फाइव वन टू सेवन ये सारी सिग्निफिकेंट हैं और अगर कोई ज़ीरो है जो नॉन ज़ीरो डिजिट्स के बीच में है तो वो भी सिग्निफिकेंट है यानी कि अगर मैं आपसे लिखूँ टू थ्री वन फोर कितनी सिग्निफिकेंट डिजिट्स हो गई इसमें चार क्योंकि चारों क्या हैं नॉन ज़ीरो डिजिट्स एक दो तीन चार तो हो गई इसमें फोर सिग्निफिकेंट डिजिट्स और अगर मैं लिखूँ टू ज़ीरो ज़ीरो फोर तो इसमें कितने सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं इसमें भी चार सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं क्योंकि इन दो नॉन ज़ीरो डिजिट्स के बीच में ज़ीरो लगे हुए हैं मतलब इस ज़ीरो की अहमियत है ना तो इसीलिए इसको क्या बोलेंगे सिग्निफिकेंट डिजिट्स में काउंट करेंगे तो सारी नॉन ज़ीरो डिजिट सिग्निफिकेंट होती हैं पहला पॉइंट ये रहा उसका एग्जाम्पल दूसरा पॉइंट ज़ीरो अगर लगा भी हो तो भी दो नॉन ज़ीरो डिजिट के बीच में लगा हो आगे पीछे कुछ भी नॉन ज़ीरो डिजिट्स हो नौ हो और तीन और बीच में कितने भी जीरो लगा दो सारे सिग्निफिकेंट हैं तो इसमें सिग्निफिकेंट नंबर कितने होंगे वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हो जाएंगे सेवन तो ये है सिग्निफिकेंट फिगर का रूल नंबर वन रूल नंबर टू क्या है ज़ीरो प्रोसीडिंग लेफ्ट टू फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट्स आर नॉट सिग्निफिकेंट प्रोसीडिंग मतलब पहले अब इसका एग्जाम्पल अगर हम देखें फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट कोई नंबर लिखा नाइन सिक्स फाइव नॉन ज़ीरो डिजिट आप आगे क्या है ज़ीरो प्रोसीडिंग लेफ्ट टू फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट पहली नॉन ज़ीरो डिजिट के आगे आप कितने भी ज़ीरो लगा दो इनका कोई सिग्निफिकेंस नहीं है जैसे कि हमें पता है दो लिखें या ज़ीरो टू लिखें या ज़ीरो ज़ीरो टू लिखें या तीन बार ज़ीरो लगा के टू लिखें बात हम कितने की कर रहे हैं दो की ही कर रहे हैं तो इन सारे जीरो की कोई वैल्यू नहीं है इसलिए ये क्या है नॉन सिग्निफिकेंट नंबर इस केस में सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने होंगे केवल तीन नॉन ज़ीरो डिजिट नंबर के आगे लिखे हुए कितने भी ज़ीरो हों वो सारे क्या होते हैं नॉन सिग्निफिकेंट उनकी कोई सिग्निफिकेंस नहीं होती ये हो गया रूल नंबर टू अब आते हैं रूल नंबर थ्री पे रोल नंबर थ्री क्या है जीरोज सेट राइट ऑफ द डेसिमल पॉइंट अब एक डेसिमल लगाइए सबसे पहले उस डेसिमल के लेफ्ट में कुछ लिख दीजिए नाइन्टी सिक्स लिख दिया मैंने अब डेसिमल के राइट right में ज़ीरो लगाना है ज़ीरो लगा दिए अब ये जो ज़ीरो हैं ये कैसे हैं सिग्निफिकेंट हैं। मतलब इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हो जाएंगे चार ठीक है अगर मैं लिखूँ नाइन्टी सिक्स पॉइंट जीरो तो सिग्निफिकेंट नंबर कितने हो जाएंगे तीन तो डेसिमल के बाद जो ज़ीरो हैं वो सारे सिग्निफिकेंट फिगर्स में काउंट होते हैं ये हो गया हमारा रूल नंबर थ्री ठीक चौथा क्या है टर्मिनल ज़ीरो विदाउट डेसिमल आर नॉट सिग्निफिकेंट 96.00 में तो चार सिग्निफिकेंट फिगर हैं लेकिन अगर वही अभी हम लिख दें 9600 तो सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने बन जाएंगे दो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जहाँ डेसिमल होगा डेसिमल के बाद के ज़ीरो तो आप काउंट करोगे सिग्निफिकेंट फिगर्स में लेकिन अगर डेसिमल नहीं है तो सिग्निफिकेंट फिगर्स में जीरो काउंट नहीं होगा ठीक है ये होगा थर्ड और फोर्थ पॉइंट अब आता है लास्ट पॉइंट काउंटिंग ऑफ ऑब्जेक्ट्स मैंने बोल दिया बीस बनाना रखे हुए हैं इसे क्या लिख सकते हैं आप बीस पॉइंट ज़ीरो लिख सकते हैं एक और ज़ीरो लिख सकते हैं एक और एक और कितने भी लिखते चले जाओ तो क्या होगा इसमें नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हो जाएंगे इनफाइनाइट। भाई आपकी मर्ज़ी आप दो ज़ीरो में बात समझना चाहो तीन जीरो लगा दो चार जीरो लगा दो पाँच लगा दो अब रूल तो क्या कहता है कि डेसिमल के बाद क्या काउंट करोगे कि काउंट होंगे डेसिमल के बाद जितने भी जीरो हैं अब आप तो ख़त्म ही नहीं कर रहे हैं लगाते ही जा रहे हैं तो उस केस में सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या बोल दिए गए कि भैया इनफाइनाइट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे काउंटिंग तो पूरी होती है ना ट्वेंटी थर्टी फोर्टीन फिफ्टीन सिक्सटीन कुछ भी तो डेसिमल काउंटिंग के केस की बात हो रही है केवल काउंटिंग ऑफ ऑब्जेक्ट्स एग्जैक्ट नंबर ऑफ क्वान्टिटीज फ्रैक्शन की बात नहीं हो रही है सिक्सटीन पॉइंट फाइव अगर आप बोलोगे वहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर्स फिक्स हो जाएंगे कि थ्री हैं लेकिन जहाँ होल नंबर की बात करोगे कि नहीं बीस हैं पच्चीस हैं पचास हैं वहाँ पे क्या होगा सिग्निफिकेंट फिगर्स आपके इनफाइनाइट हो जाएंगे ये बात हो गई सिग्निफिकेंट फिगर्स की ठीक है अब हम देखेंगे कुछ क्वेश्चन उससे पहले एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स सिग्निफिकेंट फिगर्स के टर्म में एडिशन सब्सट्रैक्शन मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन एडिशन का क्या रहता है ये नंबर आपको ऐड करने के लिए बोला गया 12.11 सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं 18.0 सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं थ्री 1.012 पॉइंट जीरो वन टू सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं फोर ठीक इन तीनों को आपने ऐड कर दिया ऐड करके ये आंसर आ गया आपका रिपोर्ट जो करेंगे रिपोर्ट हम कैसे करेंगे सेम नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस एज दैट ऑफ टर्म विद लीस्ट नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस। डेसिमल के बाद सबसे कम नंबर कितना है वन इसमें डेसिमल के बाद दो डिजिट है इसमें एक डिजिट है और इसमें तीन डिजिट है तो डेसिमल के बाद सबसे कम नंबर है एक तो आंसर हम कितना रिपोर्ट करेंगे डेसिमल के बाद एक डिजिट तक यानी थर्टी वन पॉइंट वन ये होगा हमारा रिपोर्टेड आंसर याद रखने वाली बात क्या है एडिशन और सब्सट्रैक्शन के केस में डेसिमल प्लेसेस देखी जाती हैं डेसिमल प्लेस लेंगे वो जो सबसे कम होगी उतने ही नंबर में हम अपना आंसर रिपोर्ट कर देंगे ठीक ये बात हो गई एडिशन और सब्सट्रैक्शन की नेक्स्ट मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न के क्या केस में क्या होता है नो मोर सिग्निफिकेंट फिगर्स एज देयर आर इन मेजरमेंट विद लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर्स यहाँ हम देखेंगे दो नंबर्स मल्टीप्लाई किए हमने और 2.5 और 1.25 2.5 में सिग्निफिकेंट फिगर्स होते हैं दो 1.25 में सिग्निफिकेंट फिगर्स होते हैं तीन हमने इनको मल्टीप्लाई किया ये हमारा आंसर आया अब कम सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं दो सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर्स इसमें दो हैं तो जो आंसर हम रिपोर्ट करेंगे वो हम ऐसा रिपोर्ट करेंगे कि आंसर में भी सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने आने चाहिए दो आने चाहिए यानी कि हम सिर्फ इतना आंसर रिपोर्ट करेंगे थ्री पॉइंट वन ठीक है एडिशन सब्सट्रैक्शन के केस में हम डेसिमल का प्लेस डिसाइड करते हैं जब डेसिमल के बाद सबसे कम नंबर जो भी है हम वहाँ तक का आंसर रिपोर्ट करेंगे और मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न के केस में हम क्या देखते हैं कि कम सिग्निफिकेंट नंबर्स जिसके हैं उतने ही सिग्निफिकेंट नंबर्स में हम अपना आंसर रिपोर्ट करेंगे ठीक है एक लास्ट चीज़ है राउंडिंग ऑफ द डिजिट्स राउंड ऑफ कैसे करते हैं आंसर आया आपका थर्टी वन पॉइंट सेवन सिक्स नाइन टू इसको राउंड ऑफ करके लिखना है तो कैसे राउंड ऑफ करेंगे तो इसके भी कुछ रूल्स हैं अगर मैं आपसे बोलूं कि आपको राइट हैंड साइड का डिजिट हटा देना है ठीक इफ यहाँ तक रखते हैं रूल के हिसाब से अगर चलें तो थर्टी वन पॉइंट सेवन टू नाइन अभी हमारे इन रूल्स को थोड़ा सा फॉलो कर रहा है इसलिए मैंने इस एग्ज़ाम्पल को थोड़ा सा कन्वर्ट किया है इफ़ द राइट साइड टू बी रिमूवड लास्ट डिजिट हमको हटानी है राउंड ऑफ करेंगे तो पीछे से हटाएंगे इफ डिजिट इज़ मोर देन फाइव देन प्रोसीडिंग नंबर इज इंक्रीज बाई वन अब देखो ये जो लास्ट का नंबर है पाँच से बड़ा है पाँच से बड़ा है तो इसमें क्या करेंगे एक ऐड कर देंगे तो अब आंसर क्या बन जाएगा थर्टी वन पॉइंट सेवन थ्री लास्ट नंबर हमने राउंड ऑफ कर दिया पाँच से बड़ा था पिछले वाले में एक ऐड कर दिया ये पहला रूल हो गया दूसरा रूल इफ़ लास्ट नंबर इज लेस देन फाइव देन प्रोसीडिंग नंबर इज नॉट चेंज माइनस नहीं होगा कोई चेंज नहीं होगा उसके ऊपर अब ये लास्ट नंबर क्या है पाँच से छोटा है तो इसको राउंड ऑफ़ करने के लिए कोई चेंज करने की ज़रूरत नहीं है राउंड ऑफ करके आपका आंसर क्या आ जाएगा थर्टी वन पॉइंट सेवन अगर पाँच से बड़ा है तो आप एक ऐड करेंगे पाँच से छोटा है तो कुछ नहीं करना है एज़ इट इज़ उसको रिपोर्ट कर देना है अब अगर पाँच ही है मान लो दो नंबर लिखे हैं थर्टी वन पॉइंट वन फाइव और थर्टी वन पॉइंट फोर फाइव हमने बोला इसे राउंड ऑफ कर दो डेसिमल की वन प्लेस तक अब ना ये पाँच से बड़ा है ना ये पाँच से छोटा है ये कितना है पाँच उस केस में भी दो रूल है प्रीसीडिंग नंबर इज़ नॉट चेंज इफ़ इट इज ईवन अगर ये नंबर इवन है कोई चेंज नहीं होगा तो इसका आंसर क्या आ जाएगा आपका थर्टी वन पॉइंट फोर और अगर ऑड है तो क्या होगा इंक्रीज हो जाएगा यानी कि ये हो जाएगा आपका 31.2 ठीक है तो राउंड ऑफ के रूल समझ में आ गए पहला अगर पाँच से बड़ा है तो प्रोसीडिंग नंबर में एक ऐड कर देंगे पाँच से छोटा है तो कोई चेंज नहीं ठीक अब अगर पाँच ही आ गया तो देखेंगे कि उसके पहले का नंबर क्या है ईवन है तो वैसे ही लिख दो कोई चेंज करने की ज़रूरत नहीं ऑड है तो उसमें एक ऐड कर देंगे ये हुए हमारे राउंड ऑफ़ के रूल अब हम देखेंगे कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चनस चलिए सबसे पहले बताइए हाउ मेनी सिग्निफिकेंट फिगर्स आर देयर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स ये कुछ एग्जाम्पल्स लिखे हुए हैं इन सब में सिग्निफिकेंट फिगर्स का नंबर बताना है यहां से स्टार्ट करें नॉन जीरो डिजिट है और डेसिमल के बाद एक जीरो है तो वन टू थ्री कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हो जाएंगे इसमें थ्री सेकेंड एग्जाम्पल में सारे ही क्या हैं नॉन-जीरो डिजिट्स हैं तो सारे ही क्या हो जाएंगे सिग्निफिकेंट फिगर्स वन टू थ्री फोर फाइव ठीक थर्ड एग्जाम्पल डेसिमल के पहले वाले जीरो को हम सिग्निफिकेंस में काउंट नहीं करते हैं डेसिमल के बाद वाला काउंट करते हैं तो कितने होंगे वन टू थ्री फोर ठीक है नेक्स्ट 3.29 अच्छा 10 टू पावर 6 को क्या लिख सकते हैं सिक्स टाइम्स वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स इनका कोई सिग्निफिकेंस नहीं है सारे जीरोस का तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हो जाएंगे थ्री नेक्स्ट पॉइंट फोर टू वन इसमें भी सिग्निफिकेंट फिगर्स थ्री वन ट्वेंटी सिक्स पॉइंट तीन बार के जीरो डेसिमल के बाद के ज़ीरो क्या होते हैं काउंट होते हैं सिग्निफिकेंट फिगर में तो इसका आंसर कितना हो जाएगा सिक्स और लास्ट में दो ज़ीरो तो हैं लेकिन किसके बीच में हैं दो नॉन जीरो डिजिट्स के बीच में है तो यहां पे सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हो जाएंगे वन टू थ्री फोर फाइव ठीक है सिग्निफिकेंट फिगर्स काउंट करने सीख लिया हमने अब चलते हैं नेक्स्ट पैटर्न ऑफ क्वेश्चन पे साइंटिफिक नोटेशन में इसको हम कैसे लिख सकते हैं साइंटिफिक नोटेशन में जब भी हम क्वेश्चन लिखेंगे कोशिश करेंगे जीरो को एलिमिनेट करके टेन की पावर के फॉर्म में लिखें ठीक है क्वेश्चन आपका क्या है जीरो पॉइंट तीन बार जीरो और फिर सिक्सटीन ठीक है अब देखते हैं ऑप्शन एलिमिनेट करना सीखते हैं पहले सिक्सटीन इंटू टेन टू पावर फोर तो क्या हो जाएगा हमारा सोलह के आगे चार बार ज़ीरो ये तो बहुत बड़ा नंबर है और जो हमें दिया हुआ है वो बहुत ही छोटा नंबर है तो ये तो गलत हो गया पहले ही एलिमिनेट हो गया ये ठीक अब बचे हमारे पास तीन अब हम अगर देखेंगे कि हमें डेसिमल को क्या करना है शिफ्ट करना है टेन टू पावर फोर के फॉर्म में लाना है एक, दो तीन अगर हम पॉइंट वन सिक्स लिखते तो टेन की पावर कितना आता हमारे पास माइनस थ्री क्वेश्चन में हमें ऑप्शन सारे किसके फॉर्म में दिए हुए हैं फोर के फॉर्म में तो यानी डेसिमल को एक प्लेस और मूव करेंगे क्या आ जाएगा वन पॉइंट सिक्स इंटू टेन की पावर माइनस फोर कौन सा ऑप्शन सही है ऑप्शन ए ठीक है जैसे जैसे हम डेसिमल को राइट साइड शिफ्ट करते जाते हैं कंप्रेस हो रहा है ना माइनस कम करते जाओ पावर क्या होगी माइनस में आती जाएगी ठीक है तो आंसर इसका हो जाएगा फर्स्ट वन पॉइंट सिक्स इन टेन टू पावर माइनस फोर इसके बाद हाँ ये एक असर्शन रीजन का क्वेश्चन है ऐसे क्वेश्चन यूजली एम्स एग्जामिनेशन में या पी एम टी एग्जामिनेशन में अक्सर आते हैं जहाँ पे असर्शन रीज़न दोनों स्टेटमेंट्स देखने होते हैं और फिर हमें डिसाइड करना होता है क्या ये आपस में इंटर रिलेटेड हैं या नहीं है तो पहले एसर्शन देखते हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स फॉर पॉइंट टू जीरो जीरो इज थ्री क्या ये बात सही है चलो देखते हैं डेसिमल के पहले वाला ज़ीरो काउंट नहीं होगा डेसिमल के बाद वाले जीरो काउंट होते हैं तो सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हो गए वन टू थ्री मतलब ये बात सही है वेयर एज सिग्निफिकेंट फिगर्स फॉर टू हंड्रेड इट इज़ वन डेसिमल अगर नहीं है तो जीरो काउंट नहीं होंगे तो उस केस में सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं वन ही हैं ये बात भी सही है तो यानी असर्शन का जो स्टेटमेंट है हमारा वो तो करेक्ट है तो ये वाला जो लाइन हो गई बहुत असरशन एंड रीजन आर फॉल्स ये ऑप्शन तो बाहर हो गया क्योंकि असर्शन हमारा करेक्ट है अब आगे देखते हैं जीरो एट द एंड और राइट ऑफ अ नंबर आर सिग्निफिकेंट प्रोवाइडेड दे आर नॉट ऑन द राइट साइड ऑफ द डेसिमल पॉइंट अब इसमें क्या लिखा हुआ है कि किसी भी नंबर के राइट right साइड में जो जीरो लगे होते हैं वो सिग्निफिकेंट होते हैं उनमें डेसिमल ना हो अगर डेसिमल नहीं है तो क्या वो ज़ीरो सिग्निफिकेंट है नहीं है तो मतलब रीज़न का जो स्टेटमेंट है वो क्या है गलत है तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा ऑप्शन थ्री दैट मीन्स असर्शन इज़ ट्रू बट द रीज़न इज़ फॉल्स तो ऐसे हम असर्शन और रीजन के क्वेश्चन करते हैं ये लास्ट क्वेश्चन है हमारा हाउ मेनी सिग्निफिकेंट फिगर्स आर प्रेजेंट इन दिस नंबर कितने होंगे नॉन जीरो डिजिट के आगे लगे हुए जीरो डिजिट्स क्या होते हैं इनसिग्निफिकेंट होते हैं तो कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे इसमें थ्री सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे ठीक है ये सिग्निफिकेंट फिगर के क्वेश्चन हमने रिवाइज कर लिए ठीक है अब देखते हैं इस चैप्टर के कुछ की पॉइंट्स तो क्या की पॉइंट्स हैं इस चैप्टर में कुछ स्टेटमेंट्स हैं जो आपको याद रखने पड़ेंगे जैसे कि सिस प्लेटिन एंड टेक्सॉल ये दो एंटी कैंसर ड्रग्स हैं ये का स्टेटमेंट है ये एज अ स्टेटमेंट ही आपको याद होना चाहिए कि दो एंटी कैंसर ड्रग्स कौन सी हैं सिस प्लेटिन टेक्सॉल ऑप्शन के फॉर्म में क्वेश्चन आपको दे सकता है फ्रेम करके यू जस्ट हैव टू रिमेंबर दिस एंड मार्क टिक नेक्स्ट ए जेड टी एजोथाइमोडीन ये कौन सी ड्रग है एक एंटी एड्स ड्रग है तो तीन ड्रग पढ़ ली हमने दो एंटी कैंसर ड्रग्स हैं सिस प्लेटिन और टेक्सॉल और तीसरी ड्रग कौन सी है एंटी एड्स ड्रग ठीक नेक्स्ट पॉइंट अब हम चैप्टर पे आ रहे हैं मैटर कोई भी चीज़ जो स्पेस ऑक्यूपाई करती हो और जिसका मास होता है उसे हम बोलते हैं मैटर विच हैज़ मास एंड ऑक्यूपाइज स्पेस मास स्पेस मिलके क्या बनाएगा मैटर तीसरी चीज़ डेफिनेट रेशियो में अगर कम कंबाइन कर रहे हैं दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट्स हैं और फिक्स रेशियो में कंबाइन कर रहे हैं तो बनाएंगे कंपाउंड और अगर किसी भी रेशियो में कंपाउंड कंबाइन कर रहे हैं तो बनाएंगे मिक्सचर ये एक डिफरेंस है मिक्सचर और कंपाउंड में मिक्सचर में कोई भी रेशियो एनी रेशियो और कंपाउंड में फिक्स्ड रेशियो ठीक है नेक्स्ट क्या है फिजिकल प्रॉपर्टीज़ अगर आपको कैलकुलेट करनी है तो आपके आपको उस कंपाउंड में कोई भी चेंज करने की ज़रूरत नहीं है फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ बॉइलिंग पॉइंट मेल्टिंग पॉइंट टेम्परेचर मास वॉल्यूम कुछ रिएक्शन कराने की ज़रूरत नहीं है सिंपल सा कुछ स्केल होगा कुछ मेज़रमेंट यूनिट होगी उसका इस्तेमाल करिए और आप फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ को आराम से मेज़र कर सकते हैं तो फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ कैन बी मेजर्ड और ऑब्जर्ड विदाउट चेंजिंग द आइडेंटिटी और कॉम्पोजिशन उसके लिए आपको कुछ भी चेंज करने की ज़रूरत नहीं है उससे आप सिंपली निकाल सकते हो फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ और लास्ट क्या है केमिकल चेंजेस लेकिन अगर आपको केमिकल प्रॉपर्टी पता करनी है क्या उसकी ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी है क्या उसका डिस्प्लेसमेंट प्रॉपर्टी है कैसे रिड्यूस करता है करता है रिड्यूस या नहीं करता है तो उस सब के लिए आपको क्या ज़रूरत पड़ेगी आपको कुछ ना कुछ रिएक्शन कराने की ज़रूरत पड़ेगी और जहाँ आप रिएक्शन कराएंगे वहाँ पे क्या होगा केमिकल चेंज तो फिज़िकल प्रॉपर्टी के लिए किसी चेंज की ज़रूरत नहीं है लेकिन केमिकल प्रॉपर्टी के लिए केमिकल चेंज की ज़रूरत है तो ये आज का जो हमारा फर्स्ट लेक्चर था इसमें हमने कवर किए हैं कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट मैटर मैटर का क्लासिफिकेशन फिजिकल प्रॉपर्टीज़ केमिकल प्रॉपर्टीज़ उनको कैसे हम मेज़र करेंगे और मेज़रमेंट में क्या सिग्निफिकेंट फिगर्स होते हैं कैसे कन्वर्जेंस होते हैं ये सारे जो बेसिक टर्म्स हैं नेक्स्ट लेक्चर में हम कवर करेंगे जो डेफिनेशनस हैं लॉज हैं डिफरेंट केमिकल कॉम्पोजिशन के केमिकल कॉम्बिनेशंस के और एटमिक थ्योरी थैंक यू